वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत सितारगंज में दो गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव सुरक्षा को लेकर प्रशासन शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, जिसकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी सक्रिय नजर आ रही है। चुनावी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रही है, जिसके तहत बुधवार को सितारगंज में फरार चल रहे दो गैंगस्टर जगदीश उर्फ जग्गू, लवप्रीत उर्फ लंबू को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण इस प्रकार से है कि जो आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सीनियर ऑफिसर से लगातार निर्देश प्राप्त हो रहे हैं और पूरे क्षेत्र को गुंडा तत्वों से मुक्त करने का अभियान इसमें चल रहा है, जिसमें हम लोग लगातार NBW की तामील हम लोग कर रहे हैं, जिसमें लास्ट वीक यहां से लगभग 35 NBW में जो भी वांटेड अपराधी थे उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, और जो वांछित अपराधी हैं विभिन्न मामलों में जो वांटेड चल रहे हैं उनकी भी अरेस्टिंग का ड्राइव हम लोगों ने चलाया हुआ है। तो इसी क्रम में एक बड़ी सफलता थाना सितारगंज को मिली है, जिसमें CO सितारगंज और इंस्पेक्टर सितारगंज साहब और SSI सितारगंज चौकी इंचार्ज सरकड़ा, इन लोगों के नेतृत्व में एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें दो हार्ड कोर क्रिमिनल्स को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक पे तीन गैंगस्टर सहित तीन मुकदमे हैं और एक अन्य जो लवप्रीत और लंबू नाम का अभियुक्त है। अभी रिसेंटली एक जो घटना हुई थी 31 जनवरी को कटंगरी में, फायरिंग की घटना थी और डकैती उसमें हुई थी, तो उस प्रकरण में ये मेन क्रिमिनल जो है मुख्य अपराधी था ये, और इसी ने ही तलवार से इसमें वार किया था, तो उसकी हमने अरेस्टिंग की है। साथ में घटना में प्रयुक्त उससे तलवार बरामद की और घटना में प्रयुक्त वाहन को भी हम लोगों ने इसमें बरामद किया है, और ये एक बहुत ही हार्डेंड क्रिमिनल है। इस पर 9 अभियोग पंजीकृत हैं और इस पर हम लोग गैंगस्टर की भी कार्रवाई हम लोग नियमानुसार करेंगे और इसमें आगे भी इनके प्रॉपर्टी सीजर और प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन की कार्रवाई जो है हम लोग नियमानुसार इसमें करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।